वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हेलमेट सेरेना। और आज की इस वीडियो की तरह हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं रफ स्केल बोआ स्नेक के बारे में। अब ये स्नेक डेजर्ट्स के अंदर बेसिकली पाया जाता है और रेगिस्तानी इलाकों के अंदर पाई जाने वाली सबसे ज्यादा कॉमन ब्रीड है। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको इसके मुताबिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर ऐड कर दूं, स्नेक्स का शौक बच्चों का खेल नहीं है, कोशिश करें घर के अंदर बिल्कुल भी मत रखें क्योंकि आफ्टरऑल जानवर है और डेंजरस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हिस्ट्री के ऊपर अगर इनकी मैं बात करूँ तो ये पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका जैसे मुल्क के अंदर पाया जाता है और इसका कोई सन स्पेसिफिक नहीं है कि जिस सन में इसको पहली मरतबा इनके देखा गया या पकड़ा गया, इसको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन मिली। और ये पाकिस्तान और इन इलाकों के जितने भी सहारा डेजर्ट वगैरह इनके अंदर ही ब्रीड ये पाई जाती है। अगर हम इनकी ब्रीड के ऊपर बात करें तो सांपों की जो फैमिली जो है वो 20 से ऊपर है और ये जो है ये बोआ फैमिली से ताल्लुक रखता है। बोआ फैमिली के अंदर जो है ये सबसे छोटा सांप है और सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा है। अगर इनके अंदर बोआ के अंदर ब्रीड्स की बात करें हम आगे तो उनके अंदर आ जाते हैं रबर बोआ आ जाता है, रैम्बो बोआ आ जाता है, एनाकोंडा आ जाते हैं इनके अंदर। हर सांप को जहरीला सुनते हैं लेकिन हर सांप जहरीला नहीं होता। जो ये बोआ फैमिली है ये नॉन वेनमस स्नेक होते हैं, गैर जहरीली है लेकिन इनके अंदर जहर नहीं होता। जितनी भी ब्रीड है ना सांप की वो सारी जो हमने शिकार को जबड़ कर मारती है, इनके अंदर जहर तो होता नहीं है। आइडेंटिफिकेशन में अगर हम इसकी बात करें तो फीमेल जो है वो साइज में थोड़ी सी लंबी होती है मेल से और साइज इसका जरा सा मोटा होता है, लेकिन इसकी जो दुम है वो पतली हो जाती है यहाँ से और मेल की दुम थोड़ी सी भारी होती है। अगर हम इनकी लाइफ स्पैन के ऊपर बात करें तो इनकी जो एज है वो 20 से 30 साल के अबव होती है, क्योंकि सांपों की उम्र आपने सुना होगा वो 100 साल भी टप जाते हैं लेकिन इनकी जो अब तक रिकॉर्ड की है वो 20 से 30 साल रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगर हम इनकी लेंथ के ऊपर बात करें तो इनकी लेंथ जो है वो 1.5 फुट से लेके 4 फुट तक क्रॉस कर जाती है। अगर हम वेट के ऊपर इनके बात करें तो वेट जो है इनका वो 70 से 100 ग्राम होता है नॉर्मल, और जब ये ब्रीड यानी के बच्चे देने वाली होती है तो इनका जो सर वेट होता है वो 400 से लेकर 900 ग्राम तक चला जाता है। अगर इनको हमने रखना है घर के अंदर तो इनको आप डब्बे के अंदर भी रख सकते हैं प्लास्टिक के, लेकिन वो छोटा पड़ता है इनके लिए। अगर आप इनको एक्वेरियम प्रोवाइड करेंगे वो ज़्यादा बेहतर है और एक्वेरियम के अंदर जो है वो आप रेत डालें क्योंकि ये रेत का सांप है, सहरा का सांप है, ये रेत के अंदर छुप के रहना पसंद करता है। नेचर की अगर इनकी बात की जाए तो नेचर के अंदर ये है कि ये रात के वक्त ज़्यादा एक्टिव होते हैं, यानी ये रात को आप शिकार करते हैं ज्यादा एक्टिव होते हैं रात को। और अगर इनकी नेचर टुवर्ड ह्यूमन देखी जाए तो आप इनको अगर बचपन से पालेंगे इनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे वो आप किसी भी जानवर के साथ जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे वो उतना ज्यादा आपके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी आपको कुछ कहेगा नहीं। आप ये देखें मेरे पास कब का है लेकिन इसने अभी तक कुछ हरकत ही नहीं की, ना इन्हें कोई बाइट की है मुझे। इनके अगर फूड के ऊपर बात की जाए तो इसकी जो फूड है वो वाम जाए जैसे वो अक्सर आप देखते हैं गंडोरे वगैरह निकलाते हैं पौधों की, अगर मट्टी आप खोदी हो कभी तो उसके अंदर से वाम वगैरह निकलती है ये वो खाते हैं। इसके अलावा ये छोटे मैमल्स जैसे चूहे हो गए, छोटे साइज के मेंढक, ये चीज इसको खाना पसंद है। ये जो है ये आप समझ लें कि 10 से 15 दिन के अंदर एक दफा खाना खाता है, यानी आप इनको एक दफा चूहा डाल दें वो बाजार से मिल जाते हैं छोटे रेशम चूहे वो एक डाल दें तो ये 2-3 हफ्ते 10 दिन इजीली गुजार लेते हैं। और सर्दियों में अगर इनकी बात की जाए तो ये जो है सहरा के अंदर सर्दियों के सीजन के अंदर जमीन के अंदर चले जाते हैं, और ये जैसे कि पाकिस्तान के अंदर सर्दियाँ नवम्बर के मिड से स्टार्ट हो जाती हैं और मार्च के एंड तक जाती हैं तो ये उस दौरान कोई खाना नहीं खाएगा, यानी कि आपने नवंबर से पहले पहले इसको अगर खाना खिला दिया तो ये अब मार्च के एंड के अंदर ही जाके खाएगा। अब अगर मैं सबसे पहले इनकी एनवायरनमेंट के ऊपर बात कर लेता हूँ तो ये रेतीले इलाकों में और चट्टानों के अंदर रहना पसंद करते हैं और ज्यादातर देखें भी, जैसे कि तलाल भाई ने आपको एक्सप्लेन किया कि ये रेतीले इलाकों के अंदर पाए जाते हैं और पहाड़ों के अंदर पाए जाते हैं जो सहरा वगैरह है वहां पर,
तो ये बेसिकली छुप के रहने वाला सांप है और मिट्टी के अंदर छुप के रहना पसंद करता है। अपने आप में एक डिस्क्लेमर आपको जरूर दे दूं कि हर मिट्टी के अंदर नजर आने वाला सांप, हर पहाड़ों के अंदर से निकलने वाला सांप बोआ फैमिली से बिलोंग नहीं करता, या ये रफ स्केल्ड बोआ नहीं होता, अमूमन रसल वाइपर भी होते हैं, क्योंकि ये सांप रसल वाइपर से बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस रखता है। और रसल वाइपर इज अ टाइप ऑफ स्नेक जो अगर आपको बाइट कर ले तो आपका खून जमना शुरू हो जाता है और विद इन 15 मिनट्स इंसान एक्सपायर हो सकता है उसके बाइट करने से। तो ये चीज आपने जरूर जहन के अंदर रखनी है। अब अगर मैं इनकी ब्रीडिंग के ऊपर बात कर लेता हूं, तो जो रफ स्केल बोआ या फिर आम बोआ कैटेगरी के जो स्नेक्स हैं, ये आपको ड्राई सीजन के अंदर ब्रीड प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये सर्दियों के अंदर हाइबरनेशन पीरियड इनका स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपको ड्राई पीरियड्स के अंदर ब्रीड प्रोवाइड करते हैं, जो कि स्टार्ट होता है अमूमन आप कह रहे हैं तकरीबन अप्रैल से लेके और ये लास्ट करता है सितंबर तक, और आफ्टर सितंबर ये हाइबरनेशन पीरियड के अंदर चले जाते हैं। अब अगर मैं इनकी मेच्योरिटी एज की ओर बात करता हूँ, तो 3 से 4 साल इसकी रेलिटी एज है, और 3 से 4 साल की उम्र के अंदर जाके जो मेल फीमेल है वो ब्रीड के काबिल हो जाते हैं और उनका जो ब्रीडिंग पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। अब अगर मैं इनकी जेस्टेशन पीरियड की बात करता हूँ, तो इनका जो जेस्टेशन पीरियड है वो राउंड अबाउट 5 to 8 months लास्ट करता है, और उसके बाद जो फीमेल है वो अपने बच्चों को डिलीवर करती है। अब यहाँ पर एक चीज टू बी नोटेड है कि ये अंडे नहीं देते। सांपों की बहुत सी सांप है जो अंडे देती हैं, लेकिन ये अंडे नहीं देते और ये डायरेक्ट बच्चों की डिलीवरी करती है। अब अगर मैं बेबीज रेशो की बात करता हूँ, तो ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बच्चे देते हैं और बच्चे वेरी करते हैं, 8 से 10 से लेकर राउंड अबाउट 64 तक नोटेड किया गया है कि एक टाइम के अंदर उन्होंने बच्चे दिए। अब यहाँ पर अगर मैं इनकी स्किन रिप्लेसमेंट की बात करता हूँ या स्किन शेडिंग की बात करता हूँ, तो ये साल के अंदर एक दफा अपनी स्किन जो है उसको शेड करते हैं और अपनी स्किन को जो पुरानी स्किन होती है उसे उतार कर इनके ऊपर नए स्किन सेल्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। और ये जो टाइम फ्रेम है ये आप कह रहे तकरीबन गर्मियों के अंदर केमो क्रॉस होती है ये इस पीरियड से, और गर्मी के अंदर ये साल के अंदर एक बार अपनी जो स्किन है उसको चेंज करते हैं। अगर मैं इनकी प्रॉब्लम्स की या फिर डिजीज की बात करता हूँ, तो इनके अंदर एक डिजीज जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पाई जाती है और एक फेटल डिजीज है, उसको हम इंक्लूजन बॉडी डिजीज या फिर आईबीडी कहते हैं। अब ये एक फेटल डिजीज है और स्नेक टू स्नेक वेरी करती है। चिड़ियाघर के अंदर भी हम अमूमन देखते हैं कि जो पुराने सांप है वो नए सांप के आने की वजह से एक्सपायर हो जाते हैं। ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पिछले दिनों देखने के अंदर आई है चीज। तो ये बेसिकली डेजर्ट्स के स्नेक्स हैं और इनके अंदर आईवीडी की जो डिजीज है वो पाई जाती है। अब इस डिजीज के अंदर होता ये है कि इनके जो स्किन सेल्स हैं या फिर इनके आप कह रहे हैं जो बॉडी सेल्स हैं, हार्मोन्स हैं इनके, उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक्सपायर भी हो सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं स्नेक्स को एज अ पेट रखने के ऊपर, तो देखें ये एक ऐसा जानवर है कि जिसको लोग ज्यादातर अमूमन पेट्स की हैसियत से अपने घरों के अंदर नहीं रखते और दूर से देखकर इनको भागते हैं, जिसकी बहुत बड़ी एक वजह लोगों के अंदर डर और खौफ भी है सांपों का, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। आप सांप के साथ इंटरेक्ट करेंगे अच्छी तरह तो सांप आपके साथ मानूस हो जाता है और आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर भी एक अगर आप इसको बतौर पेट रखना चाहते हैं, तो एक प्रिकॉशन मैं आपको जरूर दूंगा कि जानवर जानवर है और कभी भी ये अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर आपको काट सकता है। सो आपने इस चीज़ के लाजमी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं कि आप इसके साथ मानूस जरूर हो, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा क्लोज इनके मत जाएं, और अगर घर के अंदर रखते हैं तो किसी ऐसी जगह के ऊपर रखें जहां पे बच्चों का एसेस बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि बच्चे अमूमन डर जाते हैं और अगर इनके सामने डरा जाए तो फिर ये भी अपने आप को अनसिक्योर महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हम अपनी इस वीडियो के इख्तिताम के ऊपर पहुंचते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके हमें बताएं कि हम अपनी वीडियो के अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। दिस इज ज़रीन नईम एंड तलाल कुरैशी, स्टे ब्लेस्ड।